आपसे शुरू करूंगा, बताइए इस चक्रव्यूह से राहुल गांधी कैसे निकलेंगे? एक पुराना इतिहास राहुल गांधी का प्रदर्शन चुनाव में अमित शाह याद दिला रहे हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी जाति पर ही आपको घेर रहे हैं, बोलिए। देखिए, इतिहास के जितने पन्ने अमित शाह और मोदी जी पलटना चाहें, जो गर्त जो कालिख निकलेगी वो उनके मुंह पर ही चढ़ने वाली है। और जहां तक आप चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ राहुल गांधी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है। अंदर जाना भी आता था और बाहर निकलना भी आता है। बहरहाल, बड़ा सवाल जो आपने पूछा, मुझे लगता है वो आज बहुत जायज है। कहा जाता है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। पर अगर आप बदजुबानी की, बदसलूकी की, बदतमीजी की बात करें, तो उसमें भाजपाइयों और संघियों को महारत हासिल है। तो सार्वजनिक शोभनीयता, भाषा में सभ्यता, सुसंस्कृति, इसकी अपेक्षा भाजपाइयों और संघियों से करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। लेकिन पहले मैं शुरू करूंगी जो अमित शाह जी ने कहा, ये लैंडिंग और क्रैश और तमाम चीजें। अगर ट्रेन हर दूसरे दिन जो डिरेल हो रही है उस पर एक टिप्पणी करते तो मुझे लगता है ज्यादा गंभीरता से लिए जाते। और जिस तरह से आगामी हार, जो डबल इंजन विफल होकर पटरी से उतरने वाले हैं, उस पर कुछ बयानबाजी करते तो शायद और गंभीरता से लिए जाते। पर उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी दोनों पर एक टिप्पणी की जो मैं उसे बहुत ही आपत्तिजनक मानती हूं। सोनिया जी से शुरू कर। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की नेता बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तो कांग्रेस की केवल दो प्रदेशों में सरकार थी माना। अपने कार्यकाल में 19 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनाने का ताज अगर किसी के सर पे जाता है तो वो सोनिया गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े धुरंधर भाजपाई नेताओं के पूरे पूरे कार्यकाल पर, अटल आडवाणी युग पर पूर्ण विराम लगाकर 10 साल की यूपीए सरकार बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो सोनिया गांधी जी की थी। और ये कार्यकाल कैसा रहा? ये बटेंगे कटेंगे वाला कार्यकाल नहीं था। ये कार्यकाल था जिसमें मनरेगा की स्कीम लाई गई, वही मनरेगा जिसमें कोरोना में भारत, मोदी जी की सरकार में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बचाने का काम किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार माना, वो सूचना का अधिकार जो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार और आघात करता है, वो वही उसी 10 साल की यूपीए के कार्यकाल में आया जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। 14 साल तक की उम्र के बच्चों को पढ़ाई देने का, और ये जो भुखमरी, आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम विश्व गुरु बन रहे हैं, भुखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर आया तो वो सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में आया। तो सोनिया गांधी जी पर इस तरीके की टिप्पणी करना मुझे लगता है आसमान की ओर मुंह करके थूकने के समान है। और अगर अमित शाह जी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। अब राहुल गांधी जी पर भी बोल लेती हूं क्योंकि आप थोड़ा बोलने का समय देते हैं, अच्छा लगता है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात राहुल गांधी जी पर शुरू करना चाहती हूं कि हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, वो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, और हो जिस चिराग में शिद्दत लौ बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाएं, वो जल के रहता है। तो देखिए, चुनावी हार और जीत आपके आकलन ठीक होंगे, हालांकि उसने सिलसिलेवार तरीके से कौन से प्रदेश में हारे जीते उस पर चर्चा नहीं हो सकती, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन 44 सांसद के साथ अगर किसानों पे अन्याय हो रहा था भूमि अधिग्रहण बिल विधेयक के तौर पर लाकर, तो मोदी जी के घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। 3 काले कानून अगर आए तो किसानों के साथ आवाज से आवाज, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर ट्रैक्टर तक संसद पहुंचाने का काम, और उन 3 काले कानूनों पर भी मोदी सरकार के घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। आज जाति पर मोदी जी फिर बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं पिछड़ा हूं, पिछड़ा प्रधानमंत्री। जब भी चुनाव आता है उन्हें जाति याद आ जाती है। जब राहुल गांधी जाति जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं केवल 4 जाति है। तो उन 4 जातियों के बावजूद इन्हीं अमित शाह जी से ये कहलवाना कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, ये भी अगर किसी नेता ने किया है तो वो राहुल गांधी। पूरे देश में जब बटेंगे और कटेगी की राजनीति, सांप्रदायिक जहर घोलने का काम भाजपा और संघी कर रहे हैं, तो मोहब्बत के फेविकोल को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम राहुल गांधी ने किया। और इसी के साथ साथ जो संविधान, आज आपने संविधान की बात की कि उसका मखौल उड़ा रहे हैं भाजपा, वो तो शुरू से उड़ाते रहे। जब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो ये उसकी प्रतियां जलाते थे और कहते थे मनुस्मृति को संविधान होना चाहिए। और आज जब राहुल गांधी संविधान लेकर चले तो एक और आंकड़ा आपको बताती हूं। 2024 में जो हमारे दलित भाई बहन, 24% दलित भाई बहनों ने वोट दिया था,
कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को, वो आज 68% इस लोकसभा चुनाव में 68% दलित कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ था। 81% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की इतनी ऐतिहासिक रही कि केवल 32% नौजवानों ने इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। तो ये सब कुछ राहुल गांधी जी ने करके दिखाया है। और मैं तो कहना चाहती हूँ भाजपाइयों से एक बात आपके चैनल के जरिए कि भैया आप ये कुत्ता बिल्ली सांप चूहा बहुत करते हैं, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, सांप पालिए, चूहा पालिए, गाय पालिए और आपको भैंस खुलवानी रहती है चुनावों में, भैंस पालिए पर गलत फहमी मत पाल। और गलत फहमी किसके लिए पाल रहे हैं? उन मोदी जी के लिए जो एक ही समय में एक ही कालखंड में वडनगर में चाय भी बेचते थे और मगरमच्छ से दो दो हाथ भी करते थे, जो हिमालय एक मिनट जो हिमालय में अज्ञातवास में भी थे और आईफल टावर के नीचे खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते थे, जो एनसीसी के कैडेट भी थे और बांग्लादेश की आजादी का युद्ध भी लड़ रहे थे और उसी समय आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी ले रहे थे। तो ये नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर रखकर जो आप बंदूक चला रहे हैं ना, वो अब बैकफायर करना शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, ओके।